बावन जो भी बचा दैट इज परम। तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, मान लो इस रूम की एयर पे मैं स्टडी करने लगा तो एयर इन अ रूम, बॉटल में पानी था उसको स्टडी करने लगा तो वाटर इन अ बॉटल, कोई भी ह्यूमन बॉडी, मैं किसी पेड़ को स्टडी करने लगा, किसी इंसान को स्टडी करने लगा तो दैट इज अवर सिस्टम। सिस्टम कुछ भी हो सकता है। चले आगे, तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। सराउंडिंग क्या है? रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर बाकी जो भी बचा वो क्या है? तो यूनिवर्स में अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या चीजें हैं? सिस्टम प्लस अगला पॉइंट लिखें, सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन नेवर बी इमेजिनरी। सिस्टम और सराउंडिंग कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकती। स्टडी तो किसी चीज पर करोगे ना, एट सपोज सीट पर कुछ नहीं हो, कोई आया क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो। किस पर है कुछ देख नहीं रहा है। सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन नेवर बी इमेजिनरी। बाउंड्री, बाउंड्री क्या होता है? सिस्टम को सराउंडिंग से जो भी चीज अलग करे दैट इज, पर बाउंड्री कैन बी रियल एज वेल एज इमेजिनरी। इसको समझो, जैसा लेट सपोज मैं इस कमरे के अंदर की एयर को स्टडी कर, तो इस कमरे की वॉल्स क्या होगी? बाउंड्री, रियल है, आराम से छू सकते हैं, कुछ भी कर सकते। लेकिन अगर आप एक गिलास पानी ले लो, गिलास एक जार पानी ले लो और इसमें आप पानी भर लो, ठीक है, अब मैं इस पानी पे स्टडी कर रहा हूं तो इसके बाहर का सारा कुछ क्या हो गया? सराउंडिंग। तो बेटा ध्यान दे रहा, ये भी सराउंडिंग है, ये भी सराउंडिंग है, ये भी सराउंडिंग है, और इस सराउंडिंग को ये वाली वॉल, इसको ये और इसको ये अलग कर, पर इस सिस्टम और इस सराउंडिंग के बीच में कोई भी वॉल, तो यहां पर जो बाउंड्री होगी दैट विल बी इमेजिनरी। ओके, तो बाउंड्री मे बी रियल और इमेजिनरी। अगली बात, बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। जैसे अगर बलून के अंदर गैस भर लो, वो जो बाउंड्री है वो फ्लेक्सिबल है, राइट, लेकिन अगर वॉल के अंदर गैस भर दी, इसकी जो बाउंड्री है वो रिजिड है। बढ़ जाओ, हाँ कोई भी एक हो जाओ, पीछे जाओ। चलो अब अगला पॉइंट, बाउंड्री मे बी ए डायमेट्रिक और डायथ।
बाउंड्री एडायाबेटिक भी हो सकती है और डायाथर्मिक भी हो सकती है. एडायाबेटिक का मतलब क्या है, जो नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि उससे हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता. चेंज इन हीट इज रीजन, यानी कि वो ऐसी जादुई बाउंड्री है, उसके बाहर से अंदर कोई हीट नहीं आ सकती और अंदर से बाहर हीट नहीं जा सकती. या बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक, बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक, यानी कि उससे गैस बाहर भी, मतलब हीट बाहर भी जा सकती है और अंदर भी जा सकती. इस चैप्टर में डेली स्टडी करके आइएगा, ये चैप्टर काफी अजीब टाइप का चैप्टर है, जिसमें बहुत मिसकंसेप्शन है और बहुत कुछ दुनिया में गलत घूम रहा है इस चैप्टर के बारे में. और एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है इस चैप्टर की, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में, ना पैकेज, ना किसी कोचिंग की शीट और ना पुराने नए नोट्स आप कहीं भी पढ़े हो. और फिर वो पढ़ो तो फिर हमारा पढ़ना सिंपल सा लॉजिक, आप कंफ्यूज हो गए, आपको दिक्कत है. अब टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, तो तीन तरीके के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेट. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिससे मैटर भी एक्सचेंज हो सके और एनर्जी, जिससे मैटर भी एक्सचेंज हो सके और एनर्जी भी. जैसे एक ओपन वेसल रखा हुआ है, उसमें पानी है, पानी वेपराइज होगा, है ना, तो क्या होगा, उसके मैटर एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी का एक्सचेंज हो रही है. पॉन्ड, कोई भी लिविंग बॉडी, ह्यूमन, ट्री, We all are open system, क्योंकि हम लोग मैटर भी एक्सचेंज करते हैं और एनर्जी. ऐसे ट्री भी आपके, मैटर भी एक्सचेंज करते हैं और एनर्जी. मैटर कैसे एक्सचेंज करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं, है ना, तो स्टोमेटा के थ्रू, वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपिरेशन करते हैं. ये हो गया ओपन सिस्टम. अगला लेकिन क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम, अब क्लोज सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम क्लोज है तो फिर मैटर एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी एक्सचेंज. कोई भी मैटर इन अ क्लोज सिस्टम या क्लोज कंटेनर. लास्ट तो ओपन भी होता है ना. ठीक है, ये हो गया आपका क्लोज सिस्टम. तीसरा लिखे आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना तो मैटर एक्सचेंज हो ना ही एनर्जी एक्सचेंज, ना तो मैटर एक्सचेंज हो ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो. जैसे वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क, आपने गर्म पानी रखा थर्मस की बोतल में, एक दिन के लिए शायद गर्म रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छी है, दो तीन दिन के लिए रह जाएगा, पर क्या जिंदगी भर के लिए रहेगा. तो इट इज अ टाइप ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम बट फॉर ओनली अ few minutes for few days, कुछ दिनों के लिए ही है. लेकिन सबसे अच्छा आइसोलेटेड बॉडी का एग्जाम्पल है आपका यूनिवर्स. और एक ये एनसीईआरटी में लिखा है जो कि ऑब्वियसली गलत है, कर्म ये रखी एनसीईआरटी. क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल, एक्चुअल में गलत नहीं है, वो आधा अधूरा लिख रहे हैं. यहां पर क्लोज्ड वेसल में उनको मेंशन करना चाहिए था कि वॉल्स रिजिड, पर उन्होंने वो लिख दिया.
पर ये कैसा इमरजेंसी अलर्ट है? मेरा फोन तो ठीक है। इम्पोर्टेंट वही है यार, और क्या। चलो सब चीजों का मेकअप होता है पैसों को छोड़ के। आइसोलेटेड सिस्टम की यहाँ देखो, अब एंटायर यूनिवर्स को समझो तो ऐसे आ जाता है क्या अलर्ट? देखो यूनिवर्स क्यों है आइसोलेटेड सिस्टम, इसको समझो। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ये मानती है कि हमारा यूनिवर्स है ना वही सब कुछ है, इस यूनिवर्स के बाहर दुनिया में कोई भी चीज नहीं। तो अब यूनिवर्स के बाहर कुछ है नहीं तो एनर्जी किससे एक्सचेंज करेगा या मैटर किससे एक्सचेंज करेगा? अरे किसी से एक्सचेंज करना तो कोई होना तो चाहिए। अब कुछ है ही नहीं, केवल यूनिवर्स ही यूनिवर्स है, उसके बाहर जब कुछ नहीं है तो उससे ना तो मैटर एक्सचेंज हो सकता ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती। इसलिए यूनिवर्स इज अ परफेक्टली आइसोलेटेड बॉडी। यूनिवर्स के अलावा दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं। ओके चलिए आप ओपन सिस्टम सैटेलाइट ओपन सिस्टम एनर्जी तो एक्सचेंज करती है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, मैटर भी एक्सचेंज कोई ना कोई वो जब सैटेलाइट ऊपर जाते कुछ कुछ पार्ट निकालता है ना, वो ऐसे पढ़ा है हम लोगों ने ओपन में देखा था। चलो हाँ नोट करके एक बात लिखें। अब देखो जब भी सिस्टम एक सिस्टम अपने अंदर से दूसरे सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज करेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो वो केवल दो तरीके से, या तो हीट की फॉर्म में या फिर वन की। ठीक तो सुने जरा ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स कहती है हीट और वर्क अपने आप में कोई एनर्जी नहीं। आप लोगों ने हीट को एनर्जी पढ़ा, वर्क को एनर्जी पढ़ा, डायमेंशन भी सेम होती है, वो सब ठीक है। ठीक पर एक्चुअली में हीट और वर्क एक टाइप की एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी कैरियर होते हैं। यानी कि अगर आपको इस सिस्टम से इस सिस्टम में हीट ट्रांसफर करनी सॉरी एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो आपके पास केवल दो तरीके, क्या? या तो आप एनर्जी हीट की फॉर्म में ट्रांसफर करो या फिर आप वर्क की फॉर्म में ट्रांसफर। राइट तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि इस सिस्टम की हीट कितनी है या इस सिस्टम का वर्क कितना। राइट क्यों? क्योंकि वर्क और हीट कभी भी सिस्टम के अंदर स्टोर नहीं हो सकते। ठीक क्यों? क्योंकि वर्क और हीट कोई एनर्जी नहीं है। वर्क और हीट क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली जो एनर्जी है उसके कैरियर है। तो वर्क और हीट कभी भी किसी सिस्टम में स्टोर नहीं होगी। इस बात को बड़े अच्छे से समझो। किसके में? किसके में आया था? कल आया था? हो गया अभी तो जल्दी लिखना। अ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क ओनली। और अगला पॉइंट लिख लेना, हीट एंड वर्क कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ सिस्टम। Heat and work cannot be stored in a system. Heat and work cannot be stored in a system. They are the mode of
they are the mode of energy carrier. They are the mode of energy carrier. ठीक, अगला पॉइंट लिखे हैं, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क अपीयर्स एट सरफेस ओनली, हीट एंड वर्क अपीयर्स एट सरफेस ओनली, हीट और वर्क केवल सरफेस पर अपीयर होंगे, क्यों? इनसाइड द सिस्टम तो हो नहीं सकते. अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो कैसे करोगे? अंदर तो एनर्जी थी, अब वो बाहर आ रही है, तो बाहर आते आते आपको सरफेस पे मिल गई. जैसे ही वो सरफेस पे आई, अब वो एनर्जी नहीं रही, अब वो मोड हो गई जिस फॉर्म में आप एनर्जी को ट्रांसफर करने जा रहे हैं. और वो कब तक रहेगी? जब तक आप दूसरे के सरफेस पे ना पहुंचो, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे के अंदर गए, हीट और वर्क डिसअपीयर, अब वो एनर्जी बन गई. ठीक है, तो हीट एंड वर्क आर अपीयर्स एट सरफेस. ये तीन बातें आपको याद. चलिए अब एडिंग लगाए, रिजिड वेसल, रिजिड वेसल, रिजिड वेसल कौन सा होता है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या हो? जीरो. यानी कि उनमें वॉल्यूम का चेंज नहीं होता. क्यों? क्योंकि उनकी वॉल्स जो है वो रिजिड है. जैसे ये रूम, इट इज अ रिजिड वेसल. ठीक है, रिजिड वेसल में हमेशा डब्ल्यू क्या होता है? थिकनेस. यानी कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो, उसमें हमेशा वर्क क्या होगा? इस बात को याद. एक लाइन लिखिए, आप बताइए ये ट्रू है या फॉल्स. क्या ये क्या फॉल्स है? जिसको आप सिस्टम पढ़ रहे हैं वो वेसल लिखा हुआ है. इन लोगों ने भी फॉल्स बोला, उन्होंने पढ़ा वेसल लेकिन सोचा सिस्टम. बोलो भाई, सोचा क्या? ठीक, तो ये लाइन आती है एक, और इसमें हम पढ़ते क्या है? एवरी आइसोलेटेड सिस्टम इज अ क्लोज वेसल. हर आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज सिस्टम बनना ही निकल. उसमें लिखा हुआ है हर आइसोलेटेड सिस्टम केवल क्लोज्ड वेसल में ही अचीव किया जा सकता है. डेफिनेटली आइसोलेटेड सिस्टम को आप क्लोज्ड वेसल में ही अचीव कर सकते हैं. चलिए आगे. यूनिवर्स क्लोज है या ओपन है? उसके लिए आपको यूनिवर्स के जो की पॉसिबल, इसलिए आप इस बात से कुछ नहीं कह सकते. आपको मान लेंगे, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स के बाहर चले गए तो फिर तो यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम ही नहीं रहा, तो फिर बात अपने आप में क्या हो जाएगी? चले अब एडिंग लगाए, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? एक सिस्टम था, हमने उसको खूब सारे काम करे, ठीक, हमने उसका वॉल्यूम बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, प्रेशर बढ़ाया, मतलब खूब सारे तरीके से उसको कई सारी प्रोसेस के थ्रू उसको ओवरकम करा. फिर जब हम लौट के आए तो हम उसको उसी प्रोसेस पे ले आए जिस पर वो पहले, या उसी स्टेट पे ले आए जिस पर वो पहले. स्टेट का मतलब क्या है? पहले जो प्रेशर था अंत में भी वही प्रेशर रहा, पहले जो वॉल्यूम था बाद में भी वही रहा, पहले जो टेम्परेचर था बाद में भी. तो इनिशियल जो कंडीशंस थी, इनिशियल जो स्टेट थी, वो फाइनल स्टेट से क्या थी? बराबर. तो इसलिए ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस. बीच में क्या हुआ? डजंट मैटर. जो इनिशियल जहां से चलना शुरू किया था वहां पर आ गया क्या? आ गया. तो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस. जैसे फॉर एग्जांपल देख, लेट सपोज वो ए से चलना शुरू हुआ, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, और वापस से ए पे. इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस. इधर देखें,
ए से बी पर गया, बी से सी पे गया, सी से ए पे आ गया, इट इज अ साइक्लिक। यहां देखें, ए से बी पर गया और बी से इट इज ऑल्सो अ साइक्लिक। ठीक है, तो साइक्लिक होने के लिए वो साइकिल बनना जरूरी नहीं है। लकीर के बाकी क्यों ना कुछ भी, मतलब जिस जगह से चले उस जगह पे लौट के आना, जो आपको क्योंकि डेफिनेशन अभी बताई ना, यहाँ से चलना शुरू हुआ वहीं पे आ गया साइकिल। जानकर एग्जांपल दिया है आपको, मैं छुपा सकता था आपके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले आगे, कौन से ब्रांच लास्ट वाले एक बार और बताओ। वही दिया मैंने, देखो आपको बस ये देखना है जहां से शुरू हुआ क्या वहां पे आ गया। तो इस प्रोसेस को मैंने इस पॉइंट से शुरू किया, इस वाले ये पूरा नीचे तक गया, चला गया, फिर नीचे से वापस से ऊपर आ गया, कहां तक आया इसी पॉइंट पर वापस, तो जहां से शुरू करी थी प्रोसेस वहीं आ गया, इट इज अ साइक्लिक। तुम सही पढ़ा रहे हो, टेंशन ना ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर में मैं जो पढ़ाऊ उसको आराम से पढ़िए, आपको अंत में रियलाइज होगा चैप्टर बहुत अच्छा हुआ और आपके क्वेश्चन बने, जैसा कि बाकी चैप्टर्स में आपको। चलिए, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल जो पढ़ रहा है उसको हो रहा हो, जो नहीं पढ़ रहा है तो स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल क्या होता है इसको समझते हैं। द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय अ सर्टेन मेजरेबल प्रॉपर्टी। कोई सिस्टम किस स्टेट पे है वो कैसे बताओगे, तो प्रेशर बता दो, फिर अभी तो उसका वॉल्यूम बता दो, उसका टेम्परेचर बता दो, उसके नंबर ऑफ मोल्स बता दो, राइट। तो ये सब वेरिएबल्स हैं जिनकी मदद से आप किसी सिस्टम की स्टेट बता पा रहे, तो इन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, स्टेट। हो गया, अब ये एडिंग लगाएं स्टेट फंक्शन। यह भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है, कृपया संदेश पर ध्यान ना दें। आगे क्या पढ़ें, तो भी तो नहीं आ रहे, बाकी सब पे आ रहा है तो ठीक है, अगर केवल मेरे पे आ रहा होता तो फिर दिक्कत होती। चलो भाई, स्टेट समझिंग, भारत सरकार ने कुछ लोगों को चुना है, उनको उम्मीद है जो अमीर है। अब देखो स्टेट फंक्शन, लोगों के पास काला धन नहीं मिल सकता, हमारी सैलरी अकाउंट में आपको, हम चाहते भी उसको काला नहीं कर सकते। चलो स्टेट फंक्शन की बात करते हैं। अब देखो बड़े ध्यान से समझ, एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम नॉट ऑन द वे दैट स्टेट हैज बीन अचीव्ड इज नोन एज स्टेट सिस्टम, स्टेट फंक्शन। इसको समझो, सिस्टम की कोई भी स्टेट,
आपने उसको कैसे अचीव किया इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की बात करते, किसी स्टेट का पहले टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट देने के बाद वो टेम्परेचर 40 करना है। तो अब मैं 40 चाहे कैसे भी करूं, उसको चाहे जला के करूं, चाहे पीट पीट के करूं, राइट, मतलब किसी भी तरीके से, या कोई मैकेनिकल वर्क करके करूं, टेम्परेचर 30 से 40 हो जाएगा, राइट। तो वो पहले किसी एक स्टेट में था टेम्परेचर, अब दूसरी स्टेट में आ गया, तो क्या टेम्परेचर चेंज करने के लिए मुझे इस बात पर फोकस करने की जरूरत है कि मैं कैसे चेंज करूं, है ना। जैसे आपको अगर कोई चीज जलानी होती है, आप माचिस से जला सकते हो, आप लाइटर से जला सकते हो, आप किसी के ऑलरेडी कैंडल जल रही हो उससे कैंडल जला सकते हो, है ना। तो क्या करना है आपको, केवल और केवल आपको टेम्परेचर ही तो बढ़ाना है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप किसी भी प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो क्या चीज, राइट। तो ऐसे सिस्टम, ऐसे वेरिएबल जो केवल और केवल स्टेट पर डिपेंड करें कि अभी स्टेट क्या है और बाद में क्या होगी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस स्टेट को आपने कैसे अचीव किया या पाथ किस पाथ से होकर आप गए, राइट। दैट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। हाँ, अंग्रेजी के शब्द हैं, किसी को फंक्शन बोल दो, किसी को वेरिएबल बोल दो, क्या ही टेंशन है। चले आगे, तो ये हो गया आपका स्टेट। ये सारे टर्म समझते हैं, यू क्या है, एच क्या है, जी क्या है, एस क्या है, इसको नहीं पता, आगे आने के, ठीक है, बातें नहीं। अब तो अगर मैं किसी भी ऐसे फंक्शन का जो कि एक स्टेट फंक्शन है, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जैसा मान लो टेम्परेचर मेरा एक स्टेट फंक्शन, ठीक, अब मुझे एक इनिशियल टेम्परेचर से एक फाइनल टेम्परेचर के बीच में जाना, कोई एक इनिशियल टेम्परेचर था, लेट्स सपोज 30 डिग्री सेल्सियस, और मुझे फाइनल पे जाना 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो मैंने आपसे पूछा आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, आप कहोगे 10 डिग्री सेल्सियस। क्या इसमें आपने ये पूछा था कि सर आप ये बताओ आपने टेम्परेचर बढ़ाया कैसे, तब हम बता देंगे, राइट। तो आपको वे ऑफ द डूइंग द प्रोसेस से कोई मतलब, आपको इनिशियल प्रोसेस पता थी, इनिशियल फंक्शन पता है, फाइनल पता है, आपने दोनों को माइनस किया, आपको चेंज मिल गया, एंड दैट चेंज इज कांस्टेंट, व्हाई, बिकॉज़ टेम्परेचर इज स्टेट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस चेंज की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डेल्टा टी, यानी कि टी फाइनल माइनस टी, किसी भी स्टेट फंक्शन पर लगा सकते हो, आप डीयू लिख लेते हो, तो डीयू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा का मतलब चेंज होना जरूरी है, इनिशियल और फाइनल। तो साइक्लिक प्रोसेस में तो इनिशियल और फाइनल क्या होते हैं, इसका मतलब उसमें तो डेल्टा टी या डेल्टा पी या व्हाट एवर कोई भी स्टेट फंक्शन हो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन स्टेट फंक्शन मस्ट बी, तो एक हो गया आपका स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है आपका पाथ फंक्शन। अब पाथ फंक्शन क्या होता है,
जो पाथ पे डिपेंड करे, जो पाथ और इनिशियल स्टेट एज वेल एज फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे। बहुत लोग इसकी डेफिनेशन वो पढ़ते हैं कि जो केवल पाथ पर डिपेंड करे और स्टेट पर डिपेंड ना करे, दैट इज पाथ। पाथ फंक्शन क्या होता है? जो पाथ पर भी डिपेंड करे और इनिशियल और फाइनल। पाथ बताने के लिए तो पता होना चाहिए किसके बीच का पाथ। पाथ कैसे डिफाइन किया आपने? इनिशियल स्टेट पता थी और फाइनल पता थी, तभी तो पाथ पता था। मैंने आपसे पूछा जाना है, पूछो कहाँ और कहाँ स्टेट, वो तो चीजें पता होनी चाहिए भाई, कहाँ से जाओगे कहाँ जाना है। यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट तो बताओ, तब तो मैं पाथ डिफाइन कर पाऊँ, राइट। तो पाथ फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर तो डिपेंड करते ही है, साथ में पाथ पर भी डिपेंड है। यहाँ पर पाथ का मतलब क्या है? यहाँ पर पाथ का मतलब है प्रोसेस कराने का तरीका। यानी कि अब वैल्यू केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड नहीं करेगी, अब इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि आप आग कैसे लगा रहे हो। इसमें एग्जाम्पल है हीट और वर्क, बस यही दोनों होते हैं। अब हीट और वर्क क्या, उनकी पिक्चर क्लियर रखिएगा दिमाग में, हम सारी चीजें उसी रेस्पेक्ट में बातें करेंगे। तो Q क्या है? पाथ फंक्शन। W भी क्या है? लेकिन Q प्लस W क्या है? स्टेट फंक्शन। Q पाथ फंक्शन है, W पाथ फंक्शन है, लेकिन दोनों का सम क्या हो जाता है? स्टेट। ठीक, तो जब आप इनका इंटीग्रेशन करोगे इनिशियल से फाइनल के बीच करना, तो फाइनल तो इसकी वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? केवल डब्ल्यू। इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू क्यों नहीं आई? क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू का मतलब होता है डब्ल्यू फाइनल माइनस डब्ल्यू इनिशियल, और अगर आप यही लिख दे रहे हो तो फिर स्टेट और पाथ में अंतर क्या रहा, राइट। क्योंकि आपकी जो डब्ल्यू की वैल्यू होगी वो हर प्रोसेस में क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो आप इसको डेल्टा डब्ल्यू के बराबर नहीं लिख सकते। इट इज ओनली डब्ल्यू एंड वी कैन नॉट डिफाइन डब्ल्यू। वो हर प्रोसेस को देखकर मैं बता पाऊंगा डब्ल्यू क्या है, ठीक है। ठीक है, स्टेट फंक्शन हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। आगे कहां पे? हाँ, यहाँ पे भी फंक्शन हो सकते। चलो अब बात करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो अमाउंट पे डिपेंड करेंगे। इंटेंसिव क्या होती है? जो अमाउंट पे डिपेंड, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर था, उसका मास m था, मैंने उसको बीच में से काट दिया, इसका मास क्या हो जाएगा? इसका मास क्या हो जाएगा? तो यानी कि मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। सेम वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम था v, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? लेकिन अगर मैं बात करूं इस पूरे का टेम्परेचर था T, तो क्या इसका T/2 हो जाएगा? ऐसा होता तो बढ़िया होता ना, मम्मी बाल्टी में पानी लाएं, 30 डिग्री सेल्सियस ने आधी आधी करी 15 हो गया, 15 की फिर आधी करी 7.5 हो गया, मजा आ गया। लेकिन ऐसा नहीं, तो इसका भी टेम्परेचर T, और यानी कि वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो टेम्परेचर इज अ
इंटेंसिव प्रॉपर्टी लेट सपोज पूरे का प्रेशर पी, पूरे का प्रेशर पी, जब कंटेनर को काटा तो इसका प्रेशर क्या होगा, पी रहेगा और इसका भी प्रेशर पी रहेगा। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर कंटेनर आधा हो गया है तो प्रेशर बढ़ेगा, इतना मोल्स भी आते हुए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप आराम से ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन इंटेंसिव को नहीं कर सकते। एक का टेम्परेचर 30 है, दूसरे का 20 है, दोनों पानी को मिला देंगे 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, दे आर नॉट एडिटिव। लेकिन आपके पास 1 किलो चीनी थी, मैंने आपसे आधा किलो ले ली, आपके पास कितनी बची, मास इज द एक्सटेंसिव। कई सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये अलग अलग समय आपके अलग अलग चैप्टर में आएंगे, मैंने सारे चैप्टर के एक जगह। कितनी देर से पढ़ा रहे नेक्स्ट क्लास का अगर टाइम सबके नहीं आप लोग तैयारी करके रखिएगा, बाय चांस हो जाए उसमें फिर हम लोग गैसियस स्टेट डिस्कस कर सकते हैं। कब बता दूं क्यों बिना चैप्टर मॉडलिंग की शायद कल, शायद कल भी पढ़ तुम भी परसों वाली हो सकती है, हम मैसेज पढ़वा देंगे तो आप ये भ्रम RM3 मंथ को भी था, उनका टूट चुका है, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। जल्दी करें, पीपी क्या है बॉइलिंग पॉइंट, एफपी क्या है फ्रीजिंग। ऐसा तो नहीं है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, आपने और पानी मिलाया तब 200 हो जाएगा, सही रहेगा। इट इज आल्सो इन आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद है, तो वो क्या होता था, PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 टेस्ट। P क्या है, पार्शियल इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, इंटेंसिव हम पी को प्लस भी कर रहे हैं, अभी आपने बोला इंटेंसिव कैन नॉट बी एडेड, क्या दिक्कत, इसका मतलब वो गलत पढ़ गए थे हम हैं, नहीं आप उसके डेरिवेशन को ध्यान से देखिएगा, उसमें हम लोगों ने प्रेशर प्लस नहीं किया है, उसमें हम लोगों ने N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस करे थे और RT/V बाहर वो एक्चुअल में देखने में लगता है कि प्रेशर प्लस हो रहा है पर एक्चुअल में मोल्स प्लस हो रहा है। देख लिया सब, यस सर। और लिख लें थोड़ी सी कंडक्टिविटी और सरफेस के लिए, अब 2-3 पॉइंट्स लिखते हैं आपको। पहला क्या है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव,
तो हो सकता है कल को आपको कोई ऐसी यूनिट दे दे जिसके बारे में आपको आइडिया ना लग पाए, तो आप चेक करना कहीं आपने उसकी यूनिट का कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं पढ़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेशर पूछ लेता हूँ, प्रेशर क्या, अब आपको समझ नहीं आ रहा, आपने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, फोर्स भी एक्सटेंसिव और एरिया भी, तो प्रेशर क्या हो गया इंटर, सही है, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज ऑलवेज, ठीक है, एनी मोलर क्वांटिटी, एनी मोलर क्वांटिटी एंड स्पेसिफिक क्वांटिटी, एनी मोलर क्वांटिटी एंड स्पेसिफिक क्वांटिटी आर ऑलवेज इंटेंसिव, लेकिन मोलर वॉल्यूम क्या है, और देखो जैसे सपोज इंटरनल एनर्जी यू, ये क्या है लेकिन मोलर इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटेंसिव, ठीक है, तो किसी भी टर्म के आगे अगर मोलर लग जाए हीट कैपेसिटी एक्सपेंसिव, मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी स्पेसिफिक का मतलब क्या है, पर ग्राम, जैसे वो स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला न्यूमेरिकल याद है वो सिलेंड्रिकल वायरस मोल कंसेप्ट, तो वॉल्यूम क्या होता है एक्सपेंसिव, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम पर मास, राइट, दैट इज क्यों, क्योंकि एक्सपेंसिव अपॉन एक्सपेंसिव, चले आगे, हाँ ये देखें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड एनीवेयर इन द सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो अपना बुखार नापना हो तो आप क्या करते हो, थर्मामीटर को या तो मतलब हम लोग टंग के नीचे लगा लेते हैं या फिर बगल में लगा लेते हैं, ठीक, या फिर कोई भी जॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं वहां पे लगा लेते हैं, ठीक, तो उससे हमें अपनी पूरी बॉडी का क्या मिल जाता है, तो इसका मतलब आपको टेम्परेचर नापना, तो ऐसा तो नहीं आपने पूरी बॉडी में हर जगह थर्मामीटर लगाया हो तब आपने टेम्परेचर नापा, राइट, आपने एक पॉइंट पर रखा और आपको पूरी बॉडी का टेम्परेचर मिल गया, लेकिन अगर आपको अपना वजन नापना है तो ऐसा तो नहीं मैं अपना पैर रख देता हूँ मेरा वजन आ गया, पूरा खड़ा होना पड़ेगा, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आपको मेजर करना है तो आपके पास होल कम अमाउंट होना चाहिए, लेकिन अगर आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मेजर करना है तो आपके पास अगर सिस्टम का एक छोटा सा टुकड़ा भी है उसका मेजर कर लो पूरे की भाई, मैं किसी खेत में लगी हुई मिट्टी की पीएच नापनी है तो हम सैंपल लेके आते, पूरा खेत तो नहीं डाला सही पीएच नापनी, जो सैंपल की होगी भाई पूरे फील्ड की, ओके भाई तो टाइम नहीं, ये तो हो ही गया, ये हमने लिख लिया क्या, heat and work are not measurable property, they are the mode of energy transfer and they appear, तीनों बातें लिख ली ना, ये लिख लिया था ना, are not measurable, देखना है इसको भी लिख लिया, heat and work are not the measurable property, क्योंकि measure करने के लिए system के अंदर तो वो तो system की property नहीं है, वो तो system से surrounding में या surrounding से system में ले जाने वाली energy कह रही है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसका नहीं हुआ, न्यूटन वर्क आर नॉट मेजरेबल प्रॉपर्टी, और भी वो सब लिखवा चुके हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक,
तीन चार टाइप के कार्बोडायनामिक प्रोसेस होती है, सबको एक एक बार देखते हैं। सबसे पहली प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें टेम्परेचर क्या हो, तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट जो होता है वो थ्रू आउट द प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं इनिशियल पे जो टेम्परेचर था वही फाइनल हो गया, तो दैट प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल। तो डी टी क्या होगा, जीरो, और टी इनिशियल विल बी इक्वल टू टी। अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है इसका मतलब क्या है कि उसमें वॉल्यूम क्या होगा पूरी प्रोसेस में, ऑफ द प्रोसेस, ठीक। तो डीवी क्या हो जाएगा, इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम और अभी लिखवाया था ऐसी प्रोसेस कोई भी जिसमें वॉल्यूम क्या हो कांस्टेंट, उसका वर्क क्या होता जीरो, यानी कि उस सिस्टम पे आप काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगला देखते हैं। आइसो थर्मल हो गया, आइसो कोरिक हो गया, अब अगला है आइसो बेरिक और ए डायबेटिक, जिसको आप लोग एडियाबेटिक वो एक्चुअली एडिया नहीं होता, ए डायबेटिक। अगला है आइसो बेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक क्या होगा जिसमें डीपी क्या हो जीरो और प्रेशर क्या हो कांस्टेंट, इसका मतलब पी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू बस यही तक लिखना, टीपी इक्वल जीरो, पी इक्वल कॉन्स्टेंट, पी नीचे बराबर पी, ये हो गया। अब देखो ए डायबिटिक की जरा हम बात करते, ए डायबिटिक, अब ए डायबिटिक में जरा ध्यान से देखें, ए डायबिटिक में हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिंपल टेस्टिंग मेथड सेंड टू सेल ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बाय पूरा पैनल सो फॉर मी मैसेज भी तो आता है। देखो अब ए डायबिटिक सिस्टम है तो डी क्यू क्या होगा जीरो, तो कायदे में हमें क्या बोलना चाहिए, क्यू क्या होगा कांस्टेंट। सर बड़े ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसमें लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू जीरो, इसको समझो, क्यू इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, क्यू इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि आपकी जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो Q की फॉर्म में नहीं, ओके। अगर आपने Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर दिया, मतलब आपने सिस्टम की हीट डिफाइन कर दी, और सिस्टम के अंदर तो कोई हीट होती ही नहीं, राइट। तो Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलना एक सेंसलेस वर्ड होता है, क्योंकि लोग बोल देते हैं,
इसलिए टी क्यू भी जीरो और क्यू भी इतना ही है, ए डायबिटिक में डी क्यू भी जीरो और क्यू बस। तो क्या ये लिख सकता हूँ क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल? बोलो इनिशियल और फाइनल क्या होती है, किसकी होगी इनिशियल और फाइनल होती है? ठीक है, तो क्यू इनिशियल नाम की कोई चीज नहीं है, क्यू फाइनल नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि अब जब चेंज ही नहीं हो रहा तो डी क्यू तो जीरो ही हो गया ना। हाँ चेंज नहीं होता तो इसलिए हम कायदे में डी क्यू हमें नहीं लिखना चाहिए, हम लोग क्यू ही लिखते हैं, पर आपके लेवल पे डी क्यू लिखा हुआ मिलता है। एक्चुअल में डी क्यू एक गलत टर्म है, क्यू और डब्ल्यू पे आगे हम डी नहीं लगा सकते, एक नया टर्म लगता है ये ऐसे करके, डेल नहीं होता इसको, कुछ और बोलते हैं। ठीक डेल तो ये होता है, इसको डैगर करके बोलते हैं। ठीक, तो हीट और वर्क के लिए एक स्पेशल सिंबल बनाया गया है, जो हमारे लेवल से बहुत ऊपर की बात है, हमको नहीं समझना, इसको छोड़ दीजिए आप ये दोनों याद करके बताइए। अब रिवर्सिबल